दोस्तों मेरा चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है और मैं एमपी यादव फिजिक्स फैकल्टी पोटी से। और आज हम लोग केसीएल का दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं, मतलब या फिर कह सकते हैं दूसरा लेक्चर, क्योंकि पहला लेक्चर में हम लोग परिभाषा देखेंगे देखे हैं कि क्या है केसीएल का परिभाषा। मेन क्या है कि जैक्सन बताए थे कि जैक्सन पर जितना करंट आएगा उतना ही जैक्सन से बाहर जाएगा। जैक्सन यानी कि नोड, जहां से धारा को बंटवारा होता है, धारा जहां से बंट जाता है, इधर उधर जाना चालू हो जाता है, बंट जाता है, वह जैक्सन कहलाता है नोड। तो उसी पर हम लोग इसे पहले वीडियो में भी क्वेश्चन लिए हैं, पहला में। आज भी हम लोग केवल क्वेश्चन हम लोग इसमें लेते हैं और यह क्वेश्चन हरेक एग्जाम के लिए, हरेक एग्जाम और भी से इंपोर्टेंट है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो केसीएल में पहला क्वेश्चन क्या करना कि नोड को पता लगाइएगा कि नोड आखिर है कहाँ, नोड आखिर है कहाँ। तो देखिए पहला है, हम लोग क्वेश्चन उठाए हैं जिसमें देखिए तो यहाँ एक नोड है और नीचे पूरा मिलाकर एक नोड है, ऊपर में एक नोड है, मतलब जैक्सन, नोड जैक्सन को नोड भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ भी एक जैक्सन है, यहाँ भी एक जैक्सन है। हल कैसे करेंगे तो देखिए, जिसमें करेंट पूछ रहा है उसमें कुछ नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसमें करंट दे दिया है और उसी में पूछ रहा, करंट कुछ है जो दिया नहीं है तो फिर माल कुछ तो कुछ माना होगा, तो उसमें कुछ नहीं कीजिएगा। लेकिन जिसमें करंट नहीं दिया उसमें अपने मन से मान लीजिएगा। जैसे कि देखिए कहा है कि यहाँ करंट का मान क्या होगा जबकि यहाँ नहीं है, यहाँ पता भी नहीं है। तो जिसमें पूछ रहा है उसमें कुछ नहीं कीजिएगा, जिसमें करंट का मान नहीं दिया है उसमें अपने मन से मान लीजिएगा। तो बताइए यहाँ करंट तो आई है, यही तो पूछ रहा है, यहाँ नहीं है तो यहाँ हम अपने मन से मान लेते हैं। माना कि करंट इधर आ रहा है आई वन, इधर जा रहा है आई टू, तो बताइए यह एक जैक्सन है। जिस जैक्सन पर वोल्टेज नहीं दिया रहे उसको भी आप अपने मन से मान लीजिएगा। तो हमने माना कि यहाँ वोल्टेज भी ए है, यहाँ वोल्टेज क्या है भी ए। तो अब नीचे का जो देख रहे हैं यहाँ जीरो वोल्ट होगा, क्यों, क्योंकि यह नीचे का जो होगा हमारा, नीचे का क्या है नेगेटिव पॉइंट से जुटा हुआ है, अंडरग्राउंडिंग इसको कह सकते हैं कि किया हुआ है। तो यहाँ वोल्टेज का मान कितना है जीरो। तो बताइए यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ इधर से आया, इधर से क्या करेंट आया, इधर से ये वोल्टेज। तो बताइए थोड़ा सा, बताए थे कि किसी भी, एक बात आप क्लियर कर लीजिए, बताए थे कि किसी भी एलिमेंट में यदि यहाँ भी है, यहाँ भी भी है, यहाँ आर है, इधर से करंट आई जा रहा है, तो आई बराबर फॉर्मूला बताए थे, आई बराबर क्या बताए थे कि भी ए माइनस भी बी अबटा में आर बताए थे। इसी तरह से मान लेते हैं कि यदि यहाँ, चलिए देख लीजिए इसको भी क्लियर कर लीजिए, यदि यहाँ भी ए है, यहाँ माइनस के भी है, तो यहाँ आर है, इधर से करंट आई जा रहा है, तो आई बराबर भी ए अब माइनस भी बी माइनस के अब अटा में आर, तो क्या हो जाएगा भी ए अब माइनस माइनस प्लस भी बी अब अटा में आर। तो इस तरह से हम बताए थे इससे पहले वाला वीडियो में। तो यदि सर इसमें दो गो रहेगा तो मान लेते हैं कि यहाँ पर दो गो रहेगा, चलिए दो गो रहेगा तो इसको आर वन या आर टू, तो नीचे जोड़ दीजिएगा आर वन जोड़ आर टू, बस हो गया। इस तरह से तो हम लोग इस तरह से देख लिए थे। चलिए बताइए यहाँ पर करंट आने वाला कितना, केसीएल लगाइए, केसीएल पहला नियम किरचॉफ का, तो यहाँ से आने वाला करंट यहाँ पर कितना आई, तो आई निकलने वाला कितना आई वन प्लस और उन्हें आई टू, उधर निकला आई टू इधर आई वन, बताइए आई का मान, तो सर यहाँ से सौ प्लस से गया है माइनस भी ए पर बट्टा में, एक प्रतिरोध बताइए पांच बराबर आई वन का प्रतिरोध, आई वन का बताइए, तो सर यहाँ भी ए माइनस जीरो बटा में पांच प्लस आई टू का, तो आई टू का भी ए माइनस पचास बटा में पांच, क्योंकि प्लस पर है इसीलिए माइनस। अब बताइए यह तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, या एलसीएम लेके कैंसिल आउट कीजिए, तो सौ माइनस भी ए अब बराबर भी ए, इधर क्या होगा भी ए
माइनस के 50, तो इसको इधर ले आएंगे तो 150, इसको उधर लेके चल जाएंगे तो 2×1 3 VA, तो क्या होगा VA के मान, VA बराबर आ जाएगा हमारा 50, VA बराबर कितना 50 वोल्ट, तो यहाँ आ गया हमारा कितना 50 वोल्ट। तो क्या अभी नहीं निकल जाएगा आई, तो आई निकाल दीजिए, तो आई बराबर हो जाएगा क्या 100 माइनस 50 बट्टा में 5, यानी क्या आई बराबर कितना, तो 50 बट्टा में 5 यानी कि 10 एम्पियर। यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इसको कॉपी देखिए, जब भी बैठिए तो कॉपी कलम लेके अवश्य बैठिए, मैं जो भी क्वेश्चन दूं उसको नोट कीजिए और नीचे बनाने की कोशिश कीजिए, तब जाके आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप पूरा क्वेश्चन जैसे भी टर्न करेगा आपसे अवश्य बन जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि बन ही जाएगा, है ना, क्योंकि इतना समझाने के बाद थोड़ा सा वीडियो की नहीं समझ आता है तो रोक रोक के, है ना, रिपीट करके देखिए, है ना, समझ में अवश्य आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, इस क्वेश्चन को हटाते हैं। चलिए इसको देखिए, इसमें नोट तो दो है, एगो यहाँ है एगो यहाँ है, तो यहाँ मान लीजिए भी है, यहाँ मान लीजिए भी भी, अब हल कीजिए। तो पहला नोट के, क्योंकि इसमें इसमें दो समीकरण बनेगा, समीकरण इसमें बन जाएगा। चलिए अच्छा एक बात आप बता दे कि जिसमें करंट नहीं दिया रहेगा उसको मान लीजिएगा, यहाँ तो करंट पूछ रहा है, यहाँ नहीं है करंट पूछ रहा है, उसको छोड़ दीजिए, जिसमें करंट नहीं दिया है उसमें मान लीजिए, तो माने कि यहाँ करंट I1 है, यहाँ करंट मान लीजिए I2 है, यहाँ करंट मान लीजिए I3 है, यहाँ करंट मान लीजिए I4 है। चलिए हो गया, इस नोट पर जाइए, इस नोट पर, तो इस नोट पर I1 प्लस I2 बराबर I, I1 का मान बैठाइए तो 100 प्लस से है तो 100 माइनस VA बटा में 5 प्लस I2, I2 यहाँ है तो 50 माइनस VA बटा में 5 बराबर I, I, I देखिए तो I कहाँ VA माइनस VB बटा में 5, यह एक इक्वेशन हुआ, दोनों को काट दीजिए हो जाएगा 100 माइनस VA प्लस 50 माइनस VA बराबर VA माइनस VB, अब हल कीजिए तो इधर हो जाएगा 150 बराबर, इस सब एक तरफ कर लीजिए तो माइनस 2 ऊपर चल जाएगा तो प्लस में 2×1 3 यानी कि 3 VA माइनस में VB। चलिए एक इक्वेशन यह हुआ, दूसरा इक्वेशन मान लीजिए, दूसरा इस पर हल कीजिए, तो इसको हल कीजिएंगे, बताइए आई बराबर यहाँ आया कितना जैक्शन पर, आई निकला कितना आई 3 प्लस में उधर निकला कितना आई 4, हल कीजिए आई का मान तो भी ए माइनस भी बी बट्टा में 5 बराबर आई 3 देखिए तो भी बी माइनस 0 बट्टा में 10 प्लस आई 4 का मान देखिए भी बी माइनस 50 बट्टा में 10, हल कीजिए तो भी ए माइनस भी बी बटा में 5 बराबर 10, तो क्या होगा भी बी, यह तो 0 खत्म हो जाएगा, प्लस में भी बी माइनस में 50, यह काट दीजिए 2 से गुना कर दीजिए तो 2 भी ए फिर गुना कर दीजिए माइनस 2 भी बी बराबर भी बी प्लस, यहाँ डायरेक्ट जोड़ दीजिए भी बी तो 2 भी बी माइनस के 50। आप देखिए हम सभी को एक तरफ कर लेते हैं तो इस सब उस तरफ लेके चल जाइए तो ये आ जाएगा 50 बराबर 2 भी बी आई जाएगा तो 4 भी बी माइनस ऊपर चल जाएगा 4 भी बी आप माइनस 2 भी है। आप देखिए तो ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, 1 और 2 तो 1 और 2 को हल कर लीजिए। चलिए समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं, समीकरण 1 में क्या 2 से या फिर चलिए 4 से गुना कर देते हैं, क्या कर देते हैं 4 से गुना और घटा देते हैं या फिर जोड़ देते हैं समीकरण 2 को। देखिए समीकरण हल करने आना चाहिए, हम अभी समझाएंगे। तो क्या जगह समीकरण 1 में हम 4 से गुना कर दिया है तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60 600
गुना करे चार से ही में ना, पूरा में गुना करेंगे समीकरण, जो समीकरण में आप जितना से गुना कीजिएगा सभी में गुना कीजिएगा, तो चार से हम पूरा समीकरण में गुना करेंगे, तो पंद्रह यहाँ देखिए पंद्रह चौका साठ छः सौ बराबर, फिर चार से गुना करेंगे तो चारती आए बारह भी ए माइनस यहाँ से गुना करेंगे तो फोर भी हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए तो दूसरा को छोड़ दीजिए, पचास बराबर फोर भी देखिए तो माइनस के टू भी है कि आगे लिख देते, या फिर चलिए फोर भी और माइनस के टू भी है, देखिए तो समीकरण पहला है ये क्या है दूसरा है, इसमें गुना किए दोनों तरफ। अब देखिए तो यदि हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ में कोई चीज चेंज नहीं होता है, देखिए तो माइनस फोर भी और माइनस प्लस फोर भी दोनों कट जाएगा तो बच जाएगा साढ़े छ सौ बराबर साढ़े छ सौ, ये देखिए तो बारह में से दो घटा दीजिए दस भी है तो हमारा एक जीरो से एक जीरो यानी कि भी ए का मान कितना जाएगा पैंसठ वोल्ट, यानी कि यहाँ हमारा कितना गया पैंसठ वोल्ट। अब वीवी का मान निकाल लीजिए तो वीवी का मान निकालने के लिए आप इसको रख दीजिए, मान लेते कि पैंसठ वोल्ट को वीए का मान हम रख देते समीकरण वन में, तो समीकरण वन में वीए के मान देने पर तो वीए के मान दे दीजिए तो डेढ़ सौ बराबर तीन अगुने वीए के मान बताइए कितना है, तो वीए के मान है पैंसठ, तो पैंसठ माइनस वीबी अब हल कर दीजिए तो इसी पर चलाएगा तो वीबी बराबर क्या हो जाएगा यानी गुना कर दीजिए पंती आई पंद्रह और छत्री अठारह एक उन्नीस और माइनस के डेढ़ सौ तो कितना आ जाएगा वीबी के मान आ जाएगा हमारा घटा दीजिए तो पाँच पाँच हो गया और यह हो गया चार यानी कि पैंतालीस, तो यहाँ आ गया पैंतालीस वोल्ट। अब बताइए हमको आई चाहिए तो आई बराबर बस अब निकाल लीजिए इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, या फिर यहाँ पर आई बराबर निकाल लीजिए, आई बराबर क्या हो जाएगा तो आई बराबर हो जाएगा ये आई बराबर पैंसठ और माइनस पैंतालीस और बटा में पाँच, तो आई बराबर हो जाएगा कितना घटा दीजिए जीरो दो बटा में पाँच यानी कि चार एम्पियर, तो यहाँ करेंट कितना जा रहा है चार एम्पियर, यहाँ करेंट कितना जा रहा है चार एम्पियर। तो क्वेश्चन इस तरह से हल होता है, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलिए, पहले हमने इसको पहला जंक्शन को समीकरण बनाए, फिर दूसरा जंक्शन को समीकरण बनाए, दोनों समीकरण को हल करके वी ए एवं वीवी का मान निकाल लिए, अब वी ए और वीवी का मान निकाल करके उसको हल कर दिया वी ए माइनस वीवी बटा में आर, यहाँ से आई का मान निकल गया, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन को हल करते हैं जल्दी। हो गया होगा चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए हल कीजिए, देखिए तो इसमें तो सिंपल है, इसमें तो एक ही को जंक्शन है, इसमें तो एक ही को जंक्शन है, अब उस पर वोल्टेज मान लीजिए तो उस पर वोल्टेज मान लिया भी है, इस पर वोल्टेज क्या मान लिया भी है। अब देखिए इसमें देखिए इस सर्किट में देखिए करंट भी दे चुका है, इसमें करंट मानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि करंट दे चुका है, करंट ऊपर में जा रहा है, इसमें यदि करंट मानते भी है करेंट मानते भी है तो वह दो ही एम्पियर होगा, करेंट मान भी सकते हैं तो दो एम्पियर, तो चलिए मान लेते हैं कि मान लेती है कि चलिए इधर से आया आई, इधर से आपका आई वन, इधर से कितना आई वन, तो आई वन इधर से निकल गया आई टू, तो चलिए आई टू यहां से निकल गया बनाइए, तो नोट इस पर देखिए कितना आया आई प्लस में ये भी आई वन जा रहा है तो आई वन यहां से आई, यहां से आई इधर से भी गया आई वन बराबर बराबर निकल गया कितना I2, I गया I1 गया I2 निकल गया, तो बताइए I का मान तो माइनस से गया, देखिए माइनस से तो यहाँ माइनस हो जाएगा सौ माइनस के भी है बटा में प्रतिरोध कितना दस, अति प्रतिरोध दस बराबर प्लस प्लस
इसके लिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसके लिए देखिए, इसके लिए आई वन के लिए, तो आई वन के लिए कितना डायरेक्ट 2 एम्पियर जा रहा है, डायरेक्ट 2 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं है। आई टू के देखिए, आई टू के वी ए कितना, वी ए माइनस कितना 25, बटा है प्रतिरोध कितना 10, तो इसको हल कीजिए, तो माइनस 100 माइनस वी ए, इसको एलसीएम ले लिए हैं, मान लेते इसको एलसीएम ले लिए, चलिए इसको एलसीएम ले लिए, तो ये हो गया, इसको एलसीएम ले लिए 10, तो माइनस 100 फिर माइनस वी ए, यहाँ देखिए यह 20 हो जाएगा, क्योंकि एक होगा नीचे, एक से 10, 10 में 2 से 20, अब बराबर देखिए वी ए माइनस 25 अब बटा में 10, वी ए माइनस 25 बाई 10, 25 10 से 10 काट दीजिए, तो बताइए क्या बचेगा, माइनस के 100 माइनस के वी ए प्लस के 20 अब बराबर में वी ए माइनस 25, हल कीजिए सभी को, 100 में से 20 गया तो 80 माइनस के 80 बचेगा, वो पार्टी लेके चल जाइए, इसको ही पार्टी, चलिए वी ए इसको हल कर, वी ए नहीं हो रहा, वी ए माइनस के वी ए माइनस के 80 बराबर वी ए माइनस 25, आप देखिए वी ए के ऊपर ऊपर लेके चलेंगे और उसको इस तरफ लेके आएंगे, तो माइनस 80 और प्लस 25 और बराबर 2 वी ए डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि वो प्लस में ही जाएगा, माइनस से तो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 80 में से हमारा 25 घट जाएगा, तो 5 हो गया, तो 7 में से 2 गया 55, यानी कि माइनस 55 बराबर 2 वी ए, तो वी 2 वी ए, तो वी ए के मान कितना गया, वी ए के मान आ गया माइनस 55 बटा में 2, अब वी ए के मान माइनस 55 बटा में 2 पूछा ही, तो निकाल दीजिए यहाँ से निकाल दीजिए, निकाल लेते हैं, निकाल लीजिए, हल तो करना है, केवल हल तो करना है, आप कुछ करना तो नहीं है, मैं तो बस बनाना है खाली, तो बताइए आई का मान यहाँ से निकाल लीजिए, आई बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस वी ए अब बट्टा में क्या 10, चलिए तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस वी ए के मान कितना आया है, तो माइनस के 55 बटा में 2 और बटा में 10, यानी कि आई बराबर हो जाएगा हमारा 100 प्लस 55 बाई 2 बाई 10, तो आई बराबर हो जाएगा, देखिए 2 एलसीएम लेगा तो 200 प्लस 55 बटा में 10 गुने 2, तो हो जाएगा 255 बटा में 20, अब काट दीजिए, 5 से तो कटेगा, 5 से 4 मरते हुए कटेगा, यह 5 से कटेगा, 5 51 5, चलिए यानी कि आई बराबर आ जाएगा हमारा 1 12 चौका 48 पॉइंट कितना बचेगा 48 और 7 चौका 28, इतना एम्पियर लगभग आंसर, तो इसको राइट डाउन कीजिए और इस तरह से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, इसको राइट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए समीकरण समझ में नहीं आया तो एक बार मैं फिर से समझा दूं कि हमने एक जंक्शन माना, यहाँ करंट कितना गया, कितना निकला, कितना, तो यहाँ 2 एम्पियर दिया हुआ था, इसमें करंट मानने की आवश्यकता नहीं थी, तो फिर हमने जो माना उसी का मान 2 एम्पियर रख दिए होंगे, देखिए जो आई वन माना उसका मान 2 एम्पियर रखकर हल किए, तो हमारा टोटल यहाँ जो आया धारा वहाँ 12.7 एम्पियर, इस तरह से यह केसीएल में क्वेश्चन बनाने की एक मेथड है, इसको राइट डाउन कीजिए जल्दी, चलिए हो गया होगा, चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, बताइए बताइएगा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, चलिए हमने मान लिए कि लीजिए यहाँ रहा, यहाँ रहा 100 वोल्ट,
चलिए यहाँ भी दे दिए। चलिए यहाँ 25 वोल्ट प्लस माइनस 25 वोल्ट। चलिए आपसे पूछ लिया कि बताइए इसमें इसे बताइए आई आई के मान, यदि यहाँ दे दिया 10 ओम, यहाँ भी दे दिया 10 ओम, यहाँ भी दे दिया 10 ओम। तो बताइए आई का मान, तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा आई का मान निकालने के लिए एकदम कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर लीजिए। अब देखिए क्या इसमें जंक्शन दो गो है, जंक्शन यहाँ दो गो है, नहीं यह दोनों मिला के एक ही जंक्शन है, ये दोनों मिला के वो है एक ही वो है। इस जंक्शन को मान लो भी है, इस जंक्शन को क्या मान लो भी है, और नीचे देखिए, नीचे देखिए नीचे, तो नीचे क्या है 0 वोल्ट, नीचे क्या है 0 वोल्ट। अब चलिए यहाँ पूछा है, तो मान लीजिए यहाँ से करंट गया I1, यहाँ से गया I2, इधर निकल गया I3। चलिए I बराबर पूरा जंक्शन लीजिए, तो I आया है प्लस, यह आया है I1 प्लस, ये भी आया है I2 बराबर, निकला है I3। चलिए हल कीजिए, हल कीजिए I का मान 100 माइनस VA बटा में 10 प्लस I1 का मान मान लीजिए, देखिए कहाँ से 0, कहाँ से गया 0 माइनस के VA बटा में 10 प्लस I2 देखिए I2 0 VA बटा में 10 बराबर I3 देखिए VA माइनस 25 बटा में 10। चलिए हल कीजिए, हल कीजिए, तो बताइए इस सबको एलसीएम लेंगे, इस सबको एलसीएम लेंगे 10, इस सबके एलसीएम 10, तो 100 माइनस भी ए ये खत्म, तो माइनस भी ए ये भी खत्म, तो माइनस भी ए बराबर भी ए माइनस 25 बटा में 10। कैंसिल कीजिए, कैंसिल, तो बताइए ये कैंसिल हो गया, तो बताइए माइनस भी ए माइनस भी ए माइनस 3 भी ए, या बताइए इस पर चलेगा तो माइनस ही आ जाएगा, बटी प्लस मतलब एक तरफ हो जाएगा 125 वोल्ट माइनस 3 4 इधर हो जाएगा 4 भी ए, तो भी ए बराबर कितना आ जाएगा 125 अब बटा में 4। अब बताइए हमको चाहिए क्या आई, तो आई बराबर निकाल दीजिए, आई बराबर 100 माइनस भी ए, तो भी ए के मान कितना 125 बटा में 4, अब बटा में कितना इसका प्रतिरोध 10। चलिए हल कर दीजिए, तो हो जाएगा आई बराबर 400 माइनस 125 अब बटा में 40, तो आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिए, चलिए देख लेते हैं फिर इंक बढ़िया जानते हैं, तो आई बराबर हो जाएगा हमारा, आई बराबर बताइए क्या हो जाएगा 125 घटा दीजिए तो यानी कि 275 है ना, और बटा में 40, तो भागा मार दीजिए तो 5 से ये मकाज मतलब 5 से 25 दो फिर 55 मतलब कि 55 बटा में 8 एम्पियर जो भी आएगा आप आगे मार के पॉइंट में देख लीजिएगा। तो यह होता है, यह हुआ क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन टर्न करता है। तो हम तो समझते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, केसीएल का क्वेश्चन हम लिए हैं, और क्वेश्चन होगा तो इस पर हम लोग अगले वीडियो में डालेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग तुरंत देखेंगे केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसमें देखेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ इसमें किसका संरक्षण होता है, आखिर वोल्टेज क्या है, फिर उससे हम लोग इस सब क्वेश्चन को इसी तरह से धारा वोल्टेज निकालने की कोशिश करेंगे। तो मेरा चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद रहा, और मैं अवश्य यह सोचता हूँ कि मेरा चैनल तुम लोग का पसंद आया होगा, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर